और जानेंगे कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जो हमें आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है, और ये अभी स्मॉल कैप में है। मल्टी बैगर मतलब ये कंपनी हमें, यदि हम उसमें 1,000 रुपया लगाते हैं, 5,000 लगाते हैं, तो वो हमारा 1,00,000 रुपया, 5 लाख बन सकता है। ऐसी कंपनी के बारे में हम कुछ देखेंगे। तो स्मॉल कैप इसलिए क्योंकि जो हमें बड़े रिटर्न चाहिए तो वो हमें स्मॉल कैप ही दे सकती है। स्मॉल कैप में ही इतना कैपेबिलिटी होता है कि हमें वो बड़े रिटर्न दे। लेकिन सावधान, स्मॉल कैप सभी स्मॉल कैप नहीं दे सकते। हमें फ्यूचर मल्टी बैगर स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि स्टेप वन में आइडेंटिफाई ए स्मॉल कैप। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसका मार्केट कैप क्या है, कितना उसका मार्केट कैप है। तो हम सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनी ढूंढेंगे, जो मैं आज आपको कुछ एग्जांपल दे के भी बताऊंगा। उसके बाद ढूंढेंगे आइडेंटिफाई ए स्ट्रॉन्ग बिजनेस। अच्छा, उसके बाद क्या, पहले तो देखेंगे स्मॉल कैप है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो बिजनेस वो कर रही है क्या वो स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, आने वाले समय में उसका भविष्य है, उसका फ्यूचर है। उसके बाद हाँ, फ्यूचर भी अधिक है, फ्यूचर भी है। तो उसके बाद हम ये स्टेप करेंगे कि आइडेंटिफाई ए गुड वैल्यू, मतलब जहाँ जो रेट पे, जिस रेट पे अभी वो मिल रहा है, क्या उसका वैल्यू अभी सही है। क्यों? क्योंकि यदि रेट आपको सही नहीं मिलेगा तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ विप्रो का अगले स्टेप में। और उसके बाद जब हमें सही वैल्यू मिल जाएगा, तब उसके बाद करेंगे था कि एक सही वैल्यूएशन हमें कैसे बड़े रिटर्न दे सकते हैं, उसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये इसमें क्या है कि 1 लाख इन्वेस्टेड इन विप्रो इन जनवरी 2000, 2000 में जिसने 1 लाख इन्वेस्ट किया विप्रो, 2000 ईस्वी में जिसने 1 लाख इन्वेस्ट किया, उसका 1 लाख बन गया 2.8 लाख आज के समय में। मतलब 22 साल में उसको क्या मिला, 4.8% का रिटर्न मिला। सबसे बड़ी बात, जो बड़ी कंपनी में है, बड़ी कंपनी में आपको इतने ही रिटर्न मिलेंगे। उसके बाद वैल्यूएशन की भी बात है, किस वैल्यू पर उसने इन्वेस्ट किया। अब इसी कंपनी में हम देखते हैं कि 1 लाख इन्वेस्टेड इन जनवरी 2020, मतलब जनवरी के 2020 में किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किया और उसको भी मिल गया 2.8 लाख, उसका अभी आज 2.8 लाख बन गया। इसका मतलब हुआ कि उसको सिर्फ 2 साल में 67% का रिटर्न मिल गया, और इस बंदे को 22 साल में भी 4.8% का ही रिटर्न मिला। अब ये कैसे काम करती, कैसे रिटर्न मिलता, मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए यहाँ कह रहा है इन्वेस्टिंग एट राइट टाइम मैटर्स इवन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये मायने रखता है कि आप किस वैल्यूएशन पे उस शेयर को खरीद रहे हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल गेट रिच आइडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ इस शेयर का। कंपनी का नाम क्या है, टालब्रोज इंजीनियरिंग, अच्छी कंपनी है, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ रिटर्न के मामले में। आप ये देख सकते हो 5 साल है, यहाँ पर सेलेक्ट किया हमने, 5 साल में इसका रिटर्न क्या है, 294%। मतलब जिसने आज से जस्ट 5 साल पीछे जाके, यहाँ पे 7 दिसंबर 2018 को जिसने 2018 को इसमें पैसे लगाया था, उसका पैसा बन गया 294% का उसको रिटर्न दिया। लेकिन उसके बाद जिसने यहाँ पे 2020 में जिसने पैसे लगाया, 18 में नहीं लगाया कोई बात नहीं, 2020 में जिसने पैसे लगाया, उसका हम यहाँ से देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, उसे कितना रिटर्न मिला है। उसका रिटर्न आप कितना देख सकते हैं, 1093, मतलब इसको इसे मोटा मोटी हम मान लेते हैं 1100, तो उसे कितने मिले, 1100% का रिटर्न। जिसने 2020 में रिटर्न लगाया, जिसने यहाँ पे पैसे लगाया 2020 में, उसका आज बन रहा है 1100, और जिसने 2018 में लगाया उसका बन रहा है 300%। तो इसलिए मैंने आपको जो बोला कि वैल्यूएशन सही बहुत मायने रखता है कि हम किस वैल्यू पे हम शेयर में एंट्री ले रहे हैं। तो ये है हमारा सही इन्वेस्ट करने का तरीका। आगे हम देखते हैं कुछ हमारे ऐसे स्मॉल कैप कंपनी जो हमें आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है, बड़े रिटर्न दे सकती है। जिसमें से हमारी है के सॉल्व इंडिया, आईटी की स्मॉल कैप कंपनी जो अच्छे रिटर्न दे रही है, बड़े रिटर्न दे रही है। और इसका आप देख सकते हैं मैक्सिमम रिटर्न
एक साल का ही रिटर्न देखेंगे तो 151% है, और ये दिसंबर 2022 में आई है। तो अभी जो अब दिसंबर स्टार्ट हुआ है तो आज जो है इसको आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि इसको एक साल पूरा हो गया, पूरा पूरी एक साल हुआ, और एक साल में इसने अभी 151% का रिटर्न दे चुका है। और ये अभी इसलिए इतना ही रिटर्न दिया है क्योंकि ये इसमें अभी थोड़ा सा ASM लिस्ट में चली गई थी, इसलिए ऑपरेटर की वजह से। तो ये कंपनी आने वाले रिटर्न समय में अच्छे रिटर्न दे सकती है। अब क्यों, ये तो IT की कंपनी है और इसका वैल्यूएशन जो अभी वर्तमान में मिल रहा है ये भी सही है, क्योंकि इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो 1200 करोड़, मतलब 1000 करोड़ के आसपास है। ये जिस दिन 10000 करोड़ की कंपनी होगी आपके पैसे 10-64 करोड़, ठीक। लेकिन सबसे बड़ी बात जो नोटेबल पॉइंट है वो ये है, ROCE इसका देखे क्या है, 171%। 171% ना के बराबर होती है कोई ऐसी कंपनी, IT कंपनी 171% के ROCE नहीं देती है। और उसके बाद ROE देखेंगे तो 128%, मतलब ये इतने कमा रही, इतने पैसे बना रही है कि इसका जितने पैसे लगाते हैं उससे ज़्यादा इसे रिटर्न मिल रही है। मतलब 100 रुपया इसमें लगाया तो 128 रुपया इसको मिल गया, और इसमें 100 रुपया लगाने पे 171 रुपया मिला। और इसका जब आप बाकी चीज़ें देखेंगे इसका रिजल्ट, तो उससे आपको पता लगेगा। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखें 2020 के सितंबर में 5 करोड़, इसको कह सकते हैं 5 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी सितंबर 2023 में 25-26 करोड़ की सेल कर रही है। और इसका OPM देखेंगे ना वो मैंने रखता है 40%, 42%, इस तरीके से ये कंपनी काम कर ली। इसका जब एनुअल रिजल्ट देखेंगे आप मार्च 2015 में कोई रिटर्न कोई इनकम नहीं था, और मार्च 2023 में 77 करोड़ की इनकम है इसको, ये सेल है टोटल। और इसका जब मार्जिन देखेंगे तो 43% है, और इसका जब प्रॉफिट देखेंगे तो इसका 25 करोड़, 77 करोड़ की टोटल सेल की है और 25 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट कमाई है। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 21 रुपया एक शेयर पर कमा रही है। और बोरोइंग देखेंगे तो बोरोइंग कुछ नहीं, कर्ज कुछ नहीं है इस पर। और इसका जब प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर्स होल्डिंग कितने हैं, 58.9% दिसंबर 2022 में था सितंबर में, और अभी भी 58.9 है। और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर ने सितंबर में अपना बढ़ा लिया है स्टेक, और बाकी पब्लिक के पास है। दूसरी हमारी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी प्रकाश पाइप लिमिटेड, इसका मार्केट कैप देखेंगे अभी 1000 करोड़ के आसपास। तो ये भी स्मॉल कैप की कंपनी है और अभी तक में ये 327% रिटर्न दे चुकी है, और 6 महीने में 145% रिटर्न दे चुकी है। तो इसका जो इसके भी आप जब जो अभी पढ़ते वर्तमान में जो इसका रेंज है ये सही है, लेकिन यदि इसके आसपास मिलता है 350 से नीचे तो इसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा रहेगा, जिसकी चांसेस कम है मिलने की। और इसकी आप अर्निंग देखेंगे तो ROCE कितना है 29, और 20 से ऊपर को ही हम अच्छे मानते हैं, और इसका है 29, और ROCE देखेंगे तो 22। बाकी इसके रिजल्ट देखेंगे तो 2019 में 341 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी 2023 में 709 करोड़ की सेल कर रही है। और इसके बाद इसका रिजर्व देखेंगे तो 293 करोड़ का रिजर्व है, और बोरोइंग 28 करोड़ की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 44% का स्टेक है प्रमोटर्स के पास सितंबर 2023 में, जो कि बढ़ाया है उन्होंने धीरे धीरे करके। उसके बाद दूसरी हमारी है केबल बनाने वाली कंपनी डायनामिक केबल, इसके पास इस कंपनी के पास 30 साल का एक्सपीरियंस है। ये कंपनी का वैल्यूएशन से पहले क्या है, कंपनी का जो सेक्टर है, जो कंपनी का प्रोडक्ट है उस पर भी हमें फोकस करना होता है। तो डायनामिक केबल केबल बनाती है और 30 साल से काम कर रही है, और केबल का कभी भी डिमांड घटेगा नहीं मार्केट में, तो आप केबल वाले पे दाव लगा सकते हैं। इसका रिटर्न देखेंगे 6 महीने में 67%, और इस साल में ही इस कंपनी ने लगभग 90% का रिटर्न दे चुका है, और एक साल देखेंगे तो 145% हो गया एक साल में। मार्केट कैप इसका 900 करोड़ के आसपास है, छोटी कंपनी है। और इसका जब अर्निंग देखेंगे तो इसका ROCE 24 के आसपास है और ROE 19 है, अच्छा है, इसको हम अच्छा ही कह सकते हैं। और दूसरी बात इसका रिजल्ट देखेंगे तो
2011 में 140 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी मार्च 2023 में 669 करोड़ की सेल कर रही है, और 669 करोड़ की सेल करके 31 करोड़ की टोटल प्रॉफिट कमा रही है और एक शेयर पे 14 रुपया वो कमा रही है। बाकी इसका रिजर्व देखेंगे तो 171 करोड़ इसके पास जमा है और उसमें से 113 करोड़ पे करने हैं, तो इसके पास कर्ज कोई नहीं, डेब्ट नहीं है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स ने 74% लगभग 75% के आसपास अपने पास रखा है, जितना उसको रखना चाहिए था। बाकी फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों ने एंट्री ले लिया है और बाकी पब्लिक के पास है। उसके बाद हमारी डिफेंस सेक्टर की कंपनी एवेंटेल, इसका मार्केट कैप मात्र 3000 करोड़ है, इतनी छोटी कंपनी है, और रिटर्न है 22,000%। इतनी छोटी कंपनी है और अभी भी 22,000% की रिटर्न दे चुकी है, और 6 महीने का इसका रिटर्न देखें 275% का, कभी गिर नहीं रही है। वेट करते करके आँख थक जाएंगे। इस साल में अभी तक रिटर्न दिया इन्होंने 382% का रिटर्न दे दिया एक साल में, और एक साल का रिटर्न देखेंगे 312, और 5 साल में 3546% का रिटर्न दी है, गजब का रिटर्न दी है एवेंटेल। उसके बाद हमारी है एवेंटेल की ही यदि आप अर्निंग डिटेल देखेंगे तो ROCE है 37% और ROE देखेंगे 30%, और जब इसके आप सेल्स देखेंगे तो 2012 में 26 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी 154 करोड़ की सेल कर रही है 23 में, और इसका ऑपरेशनल मार्जिन देखेंगे तो वो भी 30% है, 26, 30, 29 अच्छे से सेल प्रॉफिट कमा रही है। और इसका प्रॉफिट देखेंगे तो 154 करोड़ में 30 करोड़ की प्रॉफिट कमा ली है नेट इसने, और कंपनी के सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है 14, 24, 44, 54, प्रॉफिट ग्रोथ 17, 36, 41, 47, और स्टॉक का CAGR भी देखें 68, 105, 176, 100, 315, तो बड़े रिटर्न की और अग्रसर रहा है कंपनी, बड़े रिटर्न देने की संभावना है। और इसका रिजर्व देखेंगे तो 119 करोड़ जिसमें से 20 करोड़ पे करने हैं, तो कुछ भी इसको पे नहीं करने जाता। और प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो 40% का कंपनी में है स्टेक। दूसरी हमारे केमिकल की कंपनी देखेंगे सिकाची इंडस्ट्री, जो कि हमें अच्छे रिटर्न दी है अभी भी 6 महीने में 118%। अभी केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल कंपनी में प्रेशर देखने को मिल रहा है, लगातार प्रेशर है, फिर भी ये कंपनी 118% का रिटर्न दी है, और इस साल में देखेंगे तो 93% का रिटर्न दे चुकी है। 1600 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, छोटी कंपनी है, और इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो है कुछ इसमें गलत है, कुछ एरर है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ, जो आने वाले समय में ये कंपनी और भी अच्छे रिटर्न दे सकती है, क्योंकि इसका आप रिजल्ट देखेंगे तो ROCE लगभग 20 और ROE 17.5 है, जो कि धीरे धीरे सुधार हो रहा है इसमें। और इसका जब आप सेल्स देखेंगे तो 2018 में 101 करोड़ की सेल करने वाली कंपनी 2023 में 302 करोड़ की सेल कर रही है, 302 करोड़ की सेल करके 44 करोड़ की प्रॉफिट कमा रही है। और इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 25-30 इस साल थोड़ा सा डाउन हुआ है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका इस साल इसका डाउन हुआ है, पर ये मैनेज कर सकती है, क्योंकि इसका आप रिजर्व देखें 350 करोड़ इसके पास जमा है, जिसमें से 72 करोड़ पे करने हैं, तो कोई कर्ज नहीं है, कंपनी अच्छे से रन हो सकती है, रन हो रही है। बाकी प्रमोटर्स होल्डिंग देखेंगे तो 46% है, और फॉरेन इन्वेस्टर का एंट्री हो गया है 2.5% आ गया है, अब बाकी का जो अमाउंट है वो जनता के पास है। बाकी अच्छा लगा तो हमारे चैनल गेट रिच आइडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।